नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यू इंडिया न्यूज। नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ भगवती की पूजा कैसे की जाए, किस तरह उनको प्रसन्न किया जाए। माँ भगवती के प्रसन्न होने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रथम दिन माँ भगवती को कैसे पूजा जाए। पंडित त्रियोगी नारायण मिश्रा जी के साथ, जो हमारे साथ द्वितीय वर्षिणी धाम मिर्जापुर से जुड़े हुए। आज नवरात्र के पहले दिन भक्त माता विंध्यवासिनी के दरबार में मां के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज भक्त घट स्थापना के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन अर्चना और स्तवन करेंगे। आदिशक्ति ने अपने इस रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का वाहन वृषभ होता है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएँ हाथ में कमल का पुष्प है। माँ के मंत्र हैं वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृक्ष पर सवार रहने वाली शूलधारिणी यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज भक्तों को चाहिए माँ की पूजा आराधना में जो है श्वेत वस्त्र धारण करके या पीतांबर वेश धारण करके पूजा करें। जहाँ तक सवाल है माँ के प्रिय भोग का, तो आपको बता दें आज गो घृत के से बने हुए पदार्थ भगवान को अर्पित करने चाहिए शैलपुत्री को, भगवती यदि प्रसन्न होती है। साथ ही गो घृत के अखंड दीपक जलाने से भगवती भी प्रसन्न होती है। और जहाँ तक सवाल है आज माँ के प्रिय पुष्प का, तो आज भगवती को गुड़हल के पुष्प, अपराजिता के पुष्प अर्पित करने चाहिए, भगवती की प्रसन्न होती है। माँ के आज आशीर्वाद के रूप में भक्तों को जो है उसकी आरोग्यता में वृद्धि होती है, वो जो है भगवती की आराधना और कर्तव्य के भक्त जो है अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। तो यह है शैलपुत्री की आराधना और उपासना करने से आज भक्तों को आरोग्यता की प्राप्ति होती है, वो निरोग रहते हैं और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो ये नवरात्र के प्रथम शक्ति शैलपुत्री की आराधना का दिन है। आज नवरात्र का पहला दिन और माता विंध्यवासिनी के धाम में भक्त जो है माता के शैलपुत्री स्वरूप के ध्यान अर्जन और पूजन से जो है भक्ति को प्रसन्न करेंगे, अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यम यम चिंतयति कामं तं तं प्राप्नोत्मिष्टम्। तो ये थी नवरात्र के पहले दिन की जानकारी। फिर हम मिलेंगे नवरात्र के दूसरे दिन की जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।